नंबर 25 से देखिए, आगे जो भी क्वेश्चन दिएगा ना, इसमें कुछ उनको फॉर्मूले हैं, कुछ उसके आधार पे बनाना है। जैसे मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, 2 sin A cos B, आपको याद दिला देता हूँ, 2 sin A cos B का फॉर्मूला आता है sin A + B, मैंने 11th में बता रखा है, और प्लस sin A - B, प्रूफ भी कराया है आपको। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos A sin B, तो ये हो जाएगा sin A + B - sin A - B। ठीक है, अगला फॉर्मूला है 2 cos A cos B, तो होता है cos A + B और प्लस cos A - B। ठीक है, अगला है 2 sin A sin B, तो इसका फॉर्मूला होता है cos A - B - cos A + B। ठीक है, तो इन्हीं सारे फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। एक काम करो, यहाँ पे देखो, इसे मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन को। sin 3x sin 5x दिया है, कमी इसमें 2 की है, हर एक में 2 लगा है, यहाँ 2 नहीं लगा है। एक काम करो, 2 से भाग और 2 से गुणा, और इसे मैं बड़े वाले को पहले लिख लेता हूँ, sin 5x एंड sin 3x। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आपको पता है इनटू में ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 sin A sin B, ये लास्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos A - B, तो 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x, और माइनस cos A + B, तो 8x। सिंपल यार, अब इंटीग्रेशन कर देना, cos का sin, 2x का 2 नीचे आएगा, यहाँ पे भी sin, और 8x का 8 नीचे आएगा, प्लस c। यहाँ चलो ना 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो sin 2x/4 और माइनस sin 8x/16 प्लस c, ये ना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर, या सेकंड तो आप बना ही लोगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन।